दोस्तों, मैं हूँ हनन इस्लाम और आप लोग देख रहे हैं डेकोर हनन यूट्यूब चैनल। अभी देखेंगे ये फॉल सीलिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, देखिए। ये है सी चैनल, ये सी चैनल, ये फॉल सीलिंग के, ये हैंगिंग करने के लिए और ये सपोर्ट के लिए ये काम आता है। ये है सी चैनल और ये है एंगल पट्टी। एंगल चैनल क्यों, कोई बोलता है एंगल, कोई बोलता है जहुया, कोई बोलता है एल पट्टी। ये एंगल, एंगल बोलता है ये दीवार पे, ये दीवार पे ये इसको लगाने के बाद ये फॉल सीलिंग बनता है। और ये है फ्यूरिंग चैनल, ये फ्यूरिंग चैनल है, ये सी चैनल और ये एल पट्टी के साथ ये पकड़ने के बाद ये नीचे ये पकड़ता है ऐसा। ये है फ्यूरिंग चैनल, ये पकड़ने के बाद ये जिप्सी मोट फॉल सीलिंग बनता है। ये फ्यूरिंग चैनल है। अभी ये कैसा कैसा, ये इसका कैसा प्रोसेस है, ये पूरा हम अभी ये अभी दिखाएंगे। बस और ये देखिए, स्टील स्क्रू इसमें पकड़ने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। ये स्टील स्क्रू है, जिप्सम स्क्रू, जिप्सम बोर्ड पकड़ने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत स्क्रू है, बहुत ही मजबूत है ये स्क्रू है। देखिए इसका जो अंदर ये स्क्रू है, ये है स्क्रू, ये स्क्रू बहुत ही मजबूत है। ये स्क्रू जो आसानी से ये जिप्सम बोर्ड में घुस जाता है। ये है स्टील किल्ला, ये जो एंगल चैनल है, ये एंगल चैनल जो दीवार पे लगता है, इसमें दीवार पे लगाने के लिए ये जरूर काम आता है। ये ऐसा स्टील किल्ला ऐसा लगाता है, ये स्टील किल्ला है। देखिए स्टील किल्ला, ये बहुत ही मजबूत है, ये आसानी से दीवार पे घुस जाता है। ये है जॉइंट टेप, इसको फाइबर टेप बोलता है। ये है जॉइंट टेप, इसको जब जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग बनाने के बाद जो जॉइंट आता है, ये जॉइंट पे ये ऐसा जॉइंट पे लगा के इसको वॉल पुट्टी और ये पुट्टी के साथ ये लगा के ये माजून डालता है। बाद में ये जॉइंट आसानी से सीधा हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। ये फॉल सीलिंग बहुत ही फिनिशिंग आता है। जिप्सम बोर्ड, ये बोर्ड जिप्सम बोर्ड है, इसको ये सेक्शन स्टील सेक्शन बनाने के बाद ये नीचे ये बैठ जाता है। ये है जिप्सम बोर्ड है। ये किस तरह ये सी चैनल में ये सीलिंग में हैंगिंग करता है, ये आप ये प्रोसेस हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये है सी चैनल, इसको हम कट करके ऐसा कट करके ऐसा कट करके इसको थोड़ा ये 5 सेंटी बैंड करके हम सीलिंग में ऐसा हैंगिंग करेंगे। ऐसा हैंगिंग करके मान लीजिए ये है सीलिंग है, हम इधर स्क्रू डाल के बहुत ही मजबूत करके स्क्रू डाल के इसको हैंगिंग करेंगे। बाद में ये फॉल सीलिंग बनाने के लिए ये हैंगिंग हो जाएगा, हम देखेंगे अभी। ये मान लीजिए ये सीलिंग है, ये छत है, ये छत में ऐसा पकड़ते उल्टा करके ऐसा पकड़ेगा। बस इसमें हम दूसरा जो सी चैनल है, हैंगिंग के लिए छत पे जो हैंगिंग करके ये लगाना मानता है, ऐसा ऐसा लगाना मानता है। अभी देखेंगे हम, मान लीजिए ऐसा हैंगिंग किया, बाद में ऐसा लगाएगा। ये देखिए ड्रिल मशीन है हमारा, ये ड्रिल मशीन, ये स्टील स्क्रू से हम इसको लगा देंगे जैसा। ऐसा
लगा देंगे। मान लीजिए ये सीलिंग ऐसा बैठ जाएगा, इसके नीचे ये लगाने के बाद हैंगिंग करने के बाद हमारा ये फ्यूरिंग चैनल आएगा, ये फ्यूरिंग चैनल नीचे ऐसा बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाएगा नीचे। हम देखेंगे अभी कैसा बैठता है। जब ऐसा ऐसा सीलिंग बन जाता है। देखिए जब छत पे ये सपोर्ट हैंगिंग करके लगाएगा, इधर भी सपोर्ट लग जाएगा, ऐसा लगा के ऐसा छत पे हैंगिंग करके लगा, ये लगाना बनता है। बस ये लगाने के बाद ये सेक्शन हमारा बन जाता है। मान लीजिए ये सीलिंग है, यह अभी तो फ्लोर है, इसको मान लीजिए ये सीलिंग है, ऐसा बन जाएगा जब सीलिंग होगा। इसमें ऐसा करके ये ऐसा रहेगा। अभी ये अभी फ्लोर में आपको समझाने के लिए बस ये सीलिंग नजर आता है। देखिए इसका नीचे ये है जिप्सम बोर्ड, ये जिप्सम बोर्ड, ये जिप्सम बोर्ड ऐसा बन जाएगा, ये जिप्सम बोर्ड ये ऐसा सीलिंग बन जाएगा। ये जिप्सम बोर्ड लगाने के लिए ये स्क्रू काम आता है, ये जिप्सम का स्क्रू है। देखिए हम ऐसा करेंगे, ये है जिप्सम बोर्ड हम सीलिंग बनाने के लिए। देखिए आसानी से बैठ जाएगा। देखिए हमारा ये ऐसा इस तरह होता है फॉल सीलिंग बन गया। मान लीजिए ये है छत, ये छत पे ऐसा लटकता है, ऐसा हैंगिंग करके ये हमारा सीलिंग बन जाएगा। ये सीलिंग में बाद में ये वॉल पुट्टी लगा के और जिप्सम पाउडर से मिक्स करके जॉइंट टेप लगा के इसको माजुन करके बाद में सीधा करके इसको पेंट कर देगा, तो सीधा सीलिंग बन जाएगा, फॉल सीलिंग बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा जिप्सम फॉल सीलिंग बनाने का ये प्रोसेस है। देखिए मेरा ये फॉल सीलिंग का सीलिंग बन गया। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने का मत भूलिए, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले मिलेगी।